सिम टूल किट इरोनिन एप्लीकेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से आपके मोबाइल में आता है। इसे आप यहाँ पर ओके कर देते हैं, फिर भी ये बार बार आता है, इसे आप परेशान होकर आप इसको बंद करना चाहते हैं। इस तरीके से अगर आप भी अपना मोबाइल यूज करते हैं और बार बार ये नोटिफिकेशन आता है, इसको आप बंद करना चाहते हैं, इससे आप परेशान हो चुके हैं, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिल्कुल आसान तरीका बताने वाला हूँ। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप इसे ऑफ करेंगे, इस नोटिफिकेशन को आप बंद करेंगे। आप कभी भी अपना मोबाइल को यूज करते हैं, आप कोई मूवी देखते हैं, कोई पिक्चर देखते हैं, कुछ भी करते हैं आप अपने मोबाइल में, लेकिन आपके मोबाइल पे बार बार ये नोटिफिकेशन आता है, इसे आप ऑफ करना चाहते हैं, इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिल्कुल आसान तरीका बताने वाला हूं और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप इसे बंद करेंगे। YouTube पर आपको काफी वीडियो मिल जाएगा, यहां पर आप देख सकते हैं दोबारा अभी मेरे मोबाइल के होम स्क्रीन पर आ चुका है सिम टूल किट इरोनिन एप्लीकेशन और इससे आप काफी परेशान हो चुके हैं, हम भी परेशान हो चुके हैं, लेकिन मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ इस वीडियो में आपको बंद करके दिखाऊंगा। यूट्यूब पर आपको काफी वीडियो मिलेगा और काफी वीडियो आप देखे भी है, लेकिन उससे आपको ये सही नहीं हुआ। काफी लोग मेरे वीडियो के ऊपर कॉमेंट करते हैं, इंस्टाग्राम पर डीएम करते हैं कि इम्तियाज भाई मेरे मोबाइल पे सिम टूल किट इरोनिन एप्लीकेशन ये नोटिफिकेशन बार बार आता है, इसे हम ऑफ करना चाहते हैं लेकिन ऑफ नहीं होता है। तो आज के इस वीडियो में आप लोग को बिल्कुल आसान तरीका से बताऊंगा इसे आप कैसे ऑफ कर सकते हैं, किस तरीके से आप इसे बंद कर सकते हैं। तो चलिए आपका ज्यादा टाइम न लेके इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिम टूल किट इरोनिन एप्लीकेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से आपके मोबाइल में आता है। इसे आप यहाँ पर ओके कर देते हैं, फिर भी ये बार बार आता है, इसे आप परेशान होकर आप इसको बंद करना चाहते हैं लेकिन आपसे बंद नहीं होता है। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको अपने मोबाइल में सेटिंग को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर सेटिंग है, इसको हम ओपन करते हैं। इस तरीके से आपको भी सेटिंग ओपन करना है। ओपन करने के बाद इस तरीके से ये ऑप्शन आएगा, जो भी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा इसे ध्यान से देखना है, उसके बाद आपको अपने मोबाइल में ये फॉलो करना होगा, तब जाके आप इसको बंद कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा एप्स, इस पर आपको ओके कर देना है। तो चलिए हम इस पर ओके करते हैं, इस तरीके से आपको भी इस पर ओके करना है। तो यहाँ पर इस तरीके से ये ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आप दूसरे नंबर पे देख सकते हैं लिखा मैनेज एप्स, इस पर आपको ओके करना है। तो चलिए हम इस पर ओके करते हैं, इस तरीके से आपको भी ओके करना है। आपको बिल्कुल आसान तरीका से मैं आपको बताऊंगा इसे आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, किस तरीके से इस नोटिफिकेशन को आप ऑफ कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को आपको जरूर सब्सक्राइब करना है। तो यहाँ पर आपके मोबाइल में जितना एप्लीकेशन होगा वो यहाँ पर शो हो जाएगा। तो देखना कि सिम टूल किट कहाँ है, तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे मोबाइल में यहाँ पर सिम टूल किट है। अगर आपको नहीं मिलता है तो ऊपर में सर्च आइकन दिया हुआ, इस पर ओके करके यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं। तो इस पर हम ओके के यहाँ पर सर्च करेंगे सिम टूल किट, यहाँ पर देख सकते हैं लिखेंगे सिम तो यहाँ पर आ जाएगा सिम टूल किट। यहाँ पर फिर से यहाँ पर ये नोटिफिकेशन आ चुका है, तो यहाँ पर हम ओके करते हैं, कैंसिल करते हैं, फिर भी ये बार बार नोटिफिकेशन आते रहता है, इसको हम बंद करके आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर सिम टूल किट है, इस पर आपको ओके करना है। चलिए हम इस पर ओके करते हैं, इस तरीके से आपको भी ओके करना है। उसके बाद यहाँ पर ऐसा इंटरफेस आएगा, सबसे ऊपर में यहाँ पर आप देख सकते लिखा है स्टोरेज, तो आपको इस पर ओके करना है। अगर आप इसको बंद करना चाहते हैं तो आपको स्टोरेज पे ओके करना है। चलिए हम इस पर ओके करते हैं, इस तरीके से आपको ओके करना है। उसके बाद ऐसा इंटरफेस आएगा, नीचे में यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है क्लियर डाटा, तो सिंपली आपको इस पर ओके करना है क्लियर डाटा पे। तो चलिए हम इस पर ओके करते हैं, इस तरीके से आपको भी क्लियर डाटा पे ओके करना है। उसके बाद यहाँ पर दो ऑप्शन आएगा, यहाँ पर सबसे ऊपर में लिखा होगा क्लियर ऑल डाटा, यहाँ पर देख सकते हैं फिर से ये नोटिफिकेशन आ चुका है, यहाँ पर ओके करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं सबसे ऊपर में लिखा होगा क्लियर ऑल डाटा और नीचे में लिखा होगा क्लियर कैचे, तो आपको ऊपर वाले पे ओके कर देना क्लियर ऑल डाटा पे। तो चलिए हम इस पर ओके करते हैं, इस तरीके से आपको भी ओके करना है। उसके बाद यहाँ पर ऐसा ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है डिलीट ऑल डाटा, तो यहाँ पर फिर से ये नोटिफिकेशन आ चुका है, यहाँ पर ओके करना है। तो नीचे में दो ऑप्शन आएगा कैंसिल और यहाँ पर ओके, तो आपको ओके करना है। चलिए हम ओके करते हैं, इस तरीके से आपको ओके करना है। उसके बाद ये ऑप्शन बंद हो जाएगा, ये नोटिफिकेशन नहीं आएगा। यहाँ से हम बंद करके आपको दिखला देते हैं, कुछ देर इंतजार करते हैं कि ये नोटिफिकेशन दोबारा आता है कि नहीं। तो इस तरीके से आप इस नोटिफिकेशन को बंद कर सकते हैं, कितना आसान तरीका से मैं आपको बताया हूँ। अभी आप मेरे मोबाइल को होम स्क्रीन पर देख सकते हैं, अभी नहीं आएगा, कुछ देर में आपको इंतजार करके दिखलाता हूँ आता है कि नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इतना इंतजार करने के बाद भी मेरे मोबाइल की होम स्क्रीन पर ये नोटिफिकेशन दोबारा नहीं आता है। इस तरीके से आप इसको बंद कर सकते हैं, कितना आसान तरीका से मैं आपको बताया हूँ। तो आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, इम्तियाज रॉबी नाम है, जाकर फॉलो कर लीजिएगा। कुछ भी पूछना हो तो पूछ सकते हैं, फॉलो करके मैसेज करिएगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी करिए। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय।